सिंथेसिस। सिंथेसिस, डू यू नो अबाउट सिंथेसिस? क्या आप सिंथेसिस के बारे में जानते हैं? सिंथेसिस इज ए मेथड इन विच वी कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस एंड मेक अ न्यू सिंपल सेंटेंस। सिंथेसिस क्या है? एक विधि है जिसमें हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़ते हैं और एक नया वाक्य बनाते हैं। ये नया वाक्य सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है या कॉम्प्लेक्स। ये इस बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सिंथेसिस की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सिंथेसिस, वी मेक थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हम तीन प्रकार के वाक्य बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, क्लियर हो गया आपके लिए? ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। आज हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंसेस क्या है? टू ज्वाइन और टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस एंड मेक अ न्यू सिंपल सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़ना और एक नया साधारण वाक्य बनाना, इस विधि को हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ओके, मेथड क्या चल रहा है आपका? सिंथेसिस। ओके, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाने के देयर आर अबाउट 9 मेथड्स। लगभग हमारे पास 9 विधियां हैं। वो विधियां कौन कौन सी हैं? पहला मेथड क्या है? यूज ऑफ पार्टिसिपल। सेकंड, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। थर्ड, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। फोर्थ, यूज ऑफ इन्फिनिटिव। फिफ्थ, यूज ऑफ नाउन और फ्रेजिंग अपोजिशन। सिक्स्थ, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस। सेवन्थ, यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट, यूज ऑफ ड्रॉपिंग वर्ब। एंड लास्ट, नाइन्थ इज यूज ऑफ कंजंक्शन एंड। ओके, तो ये क्या है? ये 9 विधियां हैं जिनसे हम लगभग 9 विधियां हैं जिनसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट पार्टिसिपल। आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आइए देखते हैं तेजी के साथ और बड़े आसान तरीके से कि पार्टिसिपल होती क्या है, कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो पार्टिसिपल कितनी होती है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यस, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वो में कैसे बनता है? वो में आईएनजी लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है, एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हैविंग बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। आइए देखते हैं, समझते हैं इसके लिए। सबसे पहले यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे बनते हैं? वो में आईएनजी लगाकर। हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्रिया हुए। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है और हम आपसे पढ़ेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग में क्रिया हुए आएगा। ओके, अब इसकी पहचान क्या है? दो सेंटेंस देखा, कैसे पहचान? बड़े आसान तरीके से समझते हैं, बहुत ही आसान। अगर आप थोड़ा दो मिनट ध्यान से देखिए तो पहचान क्या है? टू और मोर सेंटेंस विद सब्जेक्ट आर सेम। ऐसे दो या दो से अधिक वाक्य जिनके सब्जेक्ट एक समान। दूसरी पहचान क्या है? टू वर्क्स अकर्स टुगेदर। दो कार्य साथ साथ होते हैं। ओके, रूल्स मैंने आपको बताई है, आईएनजी लगाने से बनता है। एग्जांपल से समझते हैं, ये जंपर, ये रैनर। लेकिन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान है, ही। दोनों कार्य साथ साथ हुए, वह कूदा और भाग गया। ये नहीं कहा जा रहा है कि वो अभी कूदा, 4 घंटे बाद भागा, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों कार्य कैसे होते? साथ साथ होते हैं। ओके, कैसे बनाएंगे? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करें। वर्ब क्या है? जंप। फर्स्ट फॉर्म से जंप, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जंपिंग अप, ही रैन अवे। ओके, हिंदी में लीजिए, कूद कर वह भाग गया, है ना? बड़ा सा। अब पास्ट पार्टिसिपल को समझते हैं। यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? मैंने आपको बताया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हिंदी में क्या है? हुआ, हुई, होकर, हुए। पहचान कैसे है? क्या पहचान है? कैसे पहचानेंगे जब दो सेंटेंस दिए रखेंगे अलग अलग, कैसे पहचानेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल से? पहली पहचान क्या है? एक्सप्रेसेस द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की बात करते हैं, भूतकाल की बात करते हैं। इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। और वाक्य में इसका कार्य क्या होता है? एक एडजेक्टिव की तरह होता है, विशेषण बताता है। विशेषण की तरह होता है, विशेषता बताता है किसी सेंटेंस में। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट। मैंने अपना पर्स पाया, द पर्स वॉज लॉस्ट। और पर्स क्या होता था? खो गया था। पास्ट टेंस की बात होगी तो कैसा पर्स पाया मैंने? अपना खोया हुआ पर्स पाया। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। क्लियर?
लॉस क्या है यहाँ पर, वो ही थर्ड। ओके आइए हम इसको देखते हैं, यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिंदी मीनिंग कर या करती। पहचान क्या है, पहली पहचान प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की एक ही है, वो क्या है, दो ऐसे दो या दो से अधिक वाक्य जिनके सब्जेक्ट एक समान, सब्जेक्ट का सेम। दूसरी पहचान क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की दूसरी पहचान थी दो कार्य साथ साथ होंगे, यहां क्या है पहला कार्य समाप्त दूसरा प्रारंभ। ठीक है, फर्स्ट वर्ब फिनिश्ड सेकंड स्टार्ट। रूल्स क्या है, मैंने भी बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले हैविंग लगने से लगता है। ओके इट इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग हैविंग बिफोर द वर्ब थर्ड। ओके एग्जांपल से समझते, जूही टुक हर फूड, जूही वेंट टू स्कूल, जूही ने भोजन किया, जूही विद्यालय गई। अब देखिए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, जूही, एक ही है। ओके सर कार्य देखिए, पहला कार्य समाप्त हुआ है भोजन करने, दूसरा कार्य समाप्त हुआ है स्कूल जाने। कैसे बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले हैविंग लगा, हैविंग टेकन हर फूड, जूही वेंट टू स्कूल। क्लियर है, अगर यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो हैविंग के साथ क्या लगा देते, बी नॉन लगा देते। ओके हैविंग बीन टेकन हर फूड, जूही वेंट टू स्कूल, ये पैसिव वॉइस में होता है ना, बड़ा आसान। आइए इस एक्सरसाइज को करते हैं और मेरा दावा है इस छोटी सी वीडियो में आप पार्टिसिपल को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे और सिंथेसिस के पहले टॉपिक को आप अच्छी तरीके से कवर कर सकोगे। आइए देखते हैं, अवर फर्स्ट सेंटेंस इज ही सॉ द टीचर ही रैन अवे। अब देखिए दो ऐसे सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनके सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट कैसे है सेम। ओके पार्टिसिपल की पहली पहचान, प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहली पहचान सब्जेक्ट सेम है। दूसरी पहचान देखिए, ही सॉ द टीचर ही रैन अवे, उसने टीचर को देखा वह भाग गया, यानी दोनों कार्य कैसे हो रहे हैं साथ साथ हो रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनता है, वर्ब में आईजी रहेगा, वर्ब क्या है सा, सा की फर्स्ट फॉर्म सी, सी सा सीन, तो सी में आईजी रहेगी सीन। Seeing the teacher, full stop के कॉमा लगाएंगे, दूसरा सेंटेंस एडजेक्टिव उतार देंगे, ये लेटर जो कैपिटल से बना उसे स्मॉल से बना देंगे, he ran away, seeing the teacher he ran away। okay second sentence देखते हैं, Farha went to the garden, she plucked flowers। अब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, Farha। फरा कहां गई, गार्डन में गई, शी प्लक्ड फ्लावर्स, उसने वहां जाके क्या करे फूल तोड़े, किसने फूल तोड़े, फरहा ने फूल तोड़े। तो भले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज है, यहां सब्जेक्ट नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है और दोनों कार्य कैसे हो रहे साथ साथ हो रहे हैं। तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, गो वेंट गॉन, गो में आई जी आई गोइंग, गोइंग टू द गार्डन, फुल स्टॉप के क्या लगाएंगे कॉमा लगाएंगे। अब देखिए सेंटेंस ऐसे ही उतर जाता है, लेकिन इस प्रोनाउन के लिए नाउन है हमारे पास वो है फरहा, तो यहां पर आप प्रोनाउन के क्या लिख देंगे नाउन लिख देंगे, फरहा प्लक्ड फ्लावर्स। फरहा प्लक्ड फ्लावर्स। ओके हिंदी में नहीं लिखी, सीइंग द टीचर ही रैन अवे, अध्यापक को देखकर वह भाग गया। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी में कर या हुए होता है। ओके गोइंग टू द गार्डन फरा प्लक्ड फ्लावर्स, गार्डन में जाकर फलाने फरा ने फूल तोड़े। ओके नेक्स्ट देखिए, रवि वेंट आउट ही वॉज वीपिंग, सब्जेक्ट क्या है रवि, ही वॉज वीपिंग, कौन रो रहा था रवि, तो रवि यहां पर नाउन के रूप में यहां पर प्रोनाउन रूप, लेकिन एक ही है। ओके दोनों कार्य साथ साथ हो रहे, रवि वेंट आउट ही वॉज वीपिंग, रवि बाहर गया वह रो रहा था, हम क्या कहेंगे रवि रोते हुए बाहर गया, रवि वेंट आउट वीपिंग रवि रोते हुए बाहर गया,
मैंने आपको बताया हिंदी पहचान प्रेजेंट पार्टिसिपल की कर या हुए आता है. ओके, इन द सेम वे अ टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गोट. ओके, सब्जेक्ट क्या है? अ टाइगर. यहां सब्जेक्ट क्या है? ही किल्ड अ गोट. ओके, वाक्य के अंत में कौन लगाइए, कौन का जो जवाब आता है अधिकांश वाक्यों में वो सब्जेक्ट होता है. अ टाइगर वॉज हंग्री, कौन भूखा था? शेर. ही किल्ड अ गोट, कौन या किसने लगाइए जो जवाब आता है वो सब्जेक्ट होता है. किसने गोट को मारा? टाइगर ने. तो सब्जेक्ट क्या होगा? टाइगर. भले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग. ओके, कैसे दोनों कार्य कैसे हो रहे हैं? साथ साथ. कैसे लाएंगे? वर्ब में एनजी लाके. वर्ब क्या है? वाज. ये क्या अपने आप में एक्सिलरी वर्ब. इसकी बेसिक फॉर्म क्या है? बी. बी के पांच रूप होते इज एम आर वाज वर. तो ये इस पे वीडियो बना रहा हूं, आगे चल के देखिएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, फिर डिस्कस करेंगे इसके लिए. तो इसकी बेसिक फॉर्म है बी. बी में एनजी लाइन क्या आएगा? बीइंग. बीइंग हंग्री. फुल स्टॉप किया, कॉमा करा, ही के नाउन लिख दिया, अ टाइगर किल्ड अ गोट. अ टाइगर किल्ड अ गोट. इन द सेम वे शी इज ब्लाइंड, शी कैन नॉट राइड. सब्जेक्ट कौन? शी इज ब्लाइंड. वह अंधी है. कौन अंधी है? शी. She cannot ride. वह अच्छी तरह नहीं लिख सकती. कौन नहीं लिख सकती? She. दोनों सब्जेक्ट सेम है, दोनों कार्य साथ साथ हुए. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी. अब एक्सिलरी वर्ब दे रखा है, जैसे वॉज दे रखा था, यहां इज दे रखा है. इसकी बेसिक फॉर्म बी, इसकी भी बेसिक फॉर्म बी. बी में एनजी लाएंगे. बी बीइंग ब्लाइंड, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, देखिए ध्यान दीजिएगा. ये दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, being blind, कॉमा लगाया, she cannot write well. अब देखिए ये पांचों सेंटेंसेस जो हो गए, ये हो गए प्रेजेंट पार्टिसिपल. आइए शेष सेंटेंसेस को ही समझते, बड़े आसान तरीके से, बड़े मजे मजे है ना. वो क्या देखिए, आई फाउंड द, मैंने पुस्तक पाई. आई फाउंड द बुक वॉज लॉस्ट, पुस्तक खो गई थी. यानी मैंने कैसी पुस्तक पाई है? यस, खोई हुई पुस्तक पाई है. तो लॉस जो वर्ड यहां पर, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है. तो कैसा सेंटेंस हुआ ये? यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का कार्य करती है, मैंने बताया था आपको. यस, तो ये क्या हो गया? यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल. आई फाउंड द लॉस्ट बुक. मैंने कैसी बुक पाई? लॉस्ट बुक, खोई हुई पुस्तक पाई. है ना आसान? आगे देखिए, आई सॉ ए डेड मैन. मैंने एक डेड मैन को देखा, एक मरे हुए आदमी को देखा. ही वॉज कवर्ड विद अ व्हाइट क्लॉथ, वो सफेद कपड़े से ढका हुआ था. ओके, तो देखिए क्या बता रहा है. कह रहा है आई सॉ ए डेड मैन, मैंने एक मरे हुए आदमी को देखा. ही वॉज कवर्ड विद अ व्हाइट क्लॉथ, वो सफेद कपड़े से ढका हुआ था. तो कवर्ड जो यहां पर वर्ब है, जो वर्ड है, जो वर्ब है, ओके, वो क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है. ठीक है, कि कवर्ड. ओके, तो किसका प्रयोग होगा? यूज ऑफ, यस, पास्ट पार्टिसिपल. आई सॉ ए डेड मैन कवर्ड विद अ व्हाइट क्लॉथ. ओके, नेक्स्ट देखिए सर. शी फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट. उसने अपना कार्य समाप्त किया. किसने? उसने. शी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गई. कौन गई? वह. दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो गए. अब या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है या परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकता है. ओके, अब देखिए क्या कार्य साथ साथ हो रहे हैं. अगर साथ साथ होंगे तो यस प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक के बाद एक होंगे तो यस परफेक्ट पार्टिसिपल. देखते हैं. She finished her work. उसने अपना कार्य समाप्त किया. पहला काम खत्म. She went to market. वह बाजार गई. दूसरा
दूसरा कार्य प्रारंभ, वो कार्य क्या है बाजार जाने का, तो यानी क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, तो लगा दीजिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू मार्केट। Having finished her work, she went to market. Okay? ये क्या हुआ? Use of perfect participle. Yes. अगला देखिए. Aditya was punished by his teacher. He felt sorry. ठीक है? Sentence को समझते हैं. Aditya was punished by his teacher. Aditya को उसके teacher के द्वारा सजा दी गई. Subject कौन हुआ? Aditya. He felt sorry. उसे गलती का एहसास हुआ. किसे? Aditya को. तो दोनों sentence subject हो गए same. अब देखिए एक के बाद एक कार्य हो रहे हैं. उसे सजा दी गई है, उसे गलती का एहसास हुआ है, तो किसका प्रयोग करेंगे? यस, परफेक्ट पार्टिसिपल्स का। अब खास बात क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने आपको दो बताए थे, एक्टिव के लिए हैविंग बीन, पैसिव के लिए हैविंग, एक्टिव के लिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव के लिए हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये सेंटेंस पैसिव में वॉज पनिश्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। यस, तो कैसे आएगा? Having been punished, okay? As you can see, by his teacher. Comma लगाएंगे for stop के लिए, he के लिए noun लगा दें, pronoun के लिए Aditya felt sorry. Okay, last sentence देखिए, Rehan put on his shoes, he took up his books, he went to school. एक के बाद एक और एक तीन sentences दे रखे हैं। अब तीनों sentences का जोड़ना देखिए, बड़ा important sentence है, ये sentence भी बहुत important है, ठीक है? और ये sentence भी बहुत important है, okay? आइए देखिए, Rehan put on his shoes, Rehan ने अपने जूते पहने, put on means पहनना, okay? Phrase है, he took up his books, उसने अपनी पुस्तकें उठाई। He went to school, वह स्कूल गया। एक के बाद एक तीन काम हो रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है? रेहान, रेहान, रेहान। ठीक है? रेहान ने पुस्तक उठाई, रेहान ने जूते पहने, रोहन, रेहान ने पुस्तक उठाई और रेहान ही स्कूल गया है। एक के बाद एक तीन काम हो रहे हैं। सब्जेक्ट समान है। सेंटेंस किसे लगा? परफेक्ट पार्टिसिपल से। यस, बिल्कुल सर। कैसे बनाई? Having put on his shoes. Having के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, आपको मालूम है, पुट पुट पुट, शट शट शट, कट कट कट। Having put on his shoes, कॉमा करके थर्ड फॉर्म लगाइए, इसी having से ऐड करिए, taking, take to, taken, taken up his books. कॉमा, कौन स्कूल गया? रेहान, रेहान वेंट टू स्कूल। ओके, तो मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करा दी। वीडियो कैसी लगी हो बताइएगा जरूर, एक्सरसाइज करिए और बहुत अच्छा रहेगा। आप तीनों टाइप के सेंटेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के एक एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइए। आपके लिए अभ्यास होगा, आपका आपको रिवाइज हो जाएगा। ओके, मिलते हैं।